हेलो गाइस, स्वागत है थोड़ा मेरे चैनल में। मैं आज थानू बहुत ही ईजी तरीके नाल पोहा बनाना सिखा रही हाँ, जो कि बिल्कुल ही देसी तरीके नाल बनाया जाएगा, जिस विच मैं मिक्स सब्जी, गाजर, मटर, आलू पहला ही फ्राई कर रही हाँ, ता जो मेरे सब्जियाँ चंगी तरह पक जान। इस करके प्याज ते हरी मिर्च मैं इन्हों होने तो बाद पावगी, जो मैं ऑलरेडी चॉप्ड करके रखे हुए है। तो उस तो बाद मैं अपने मूंगफली भी भुन्नागी, मूंगफली के दाने, तो फिर आप पोहा जो कि आप पानी विच भें के बस इसनों धो लेना। सर फिर जो थोड़ा मैं लगा कि मेरी सब्जियां हो गई हैं तो मैं प्याज ते मिर्चा पा दी, ते नाल ही मूंगफली के दाने पा दिते आ, ते इन्हों चंगी तरह रोस्ट करना। चंगी तरह रोस्ट होने बाद जो जो भी तुसी मसाले चाहते हैं ये विच पा सकते हैं। तुसी देख लेना कि थोड़े आलू कच्चे ना रहन। ते उस तो बाद मेरे मसाले रेडी आ, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, तो स्वाद अनुसार तुसी नींबू पा सकते हैं, तो नाल जीरा, जो चामो तो कैचअप भी पाई जा सकती है। तो हुण मैं पोहा सब्जियां दे विच पा दिता, तो उन्हां नूं मिक्स करांगे चंगी तरह, मसालियां दे विच चंगी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो उस तो बाद तुसी नींबू नूं चंगी तरह सारे पासे छल जावे पा देना, नाले ही निचोड़ देना, नींबू निचोड़नी ना जां थाडे को अपने हाथ ना जिद्दा भी चाहुंदे हां तुसी नींबू स्प्रैड कर देना। ते चाहो तां कैचअप पा दो इहदी जगह, कई लोग कैचअप पाउंदे आ, ते मैं नींबू पाया है, पर मैं बाद विच खाण लगी कैचअप भी दे दिंदी नाल, जिन्हें पाउणी पा सकदे आ, तुहाडा टेस्ट बदल जांदा। ते देखो किन्ना सोहणा